get you, my pretty! And your little soul, too! तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं अ नाइटमेयर ऑन एम स्ट्रीट के सिक्स्थ पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी का पूरा नाम है फ्रेडीज डेड द फाइनल नाइटमेयर। इसकी स्टोरी पिछले पांच पार्ट से एकदम ही अलग है। मूवी के अंदर एकदम ही नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसकी स्टोरी किसी और ही जगह पे बेस्ड है। पिछले पांच फिल्मों से इसका कुछ खास कनेक्शन नहीं है, तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा होगा तो भी आपको ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन पांच पार्ट्स को ज़रूर देख लें, क्योंकि उनकी स्टोरी काफ़ी अलग है और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जगह के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है स्प्रिंगवुड, ओहायो। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत सारे मिस्टीरियस मर्डर्स और सुसाइड्स हुए हैं और इसी कारण से इस टाउन के सारे बच्चे और टीनेजर्स ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं। बचा है तो सिर्फ एक सर्वाइवर जिसका नाम है जॉन डो। तो जॉन एक प्लेन में बैठा होता है और प्लेन काफी जोर जोर से हिल रहा होता है। अगले ही सेकंड उसके बाजू में बैठी औरत प्लेन से खींची चली जाती है और उसके बाद वो भी प्लेन से नीचे गिर जाता है। जब वो प्लेन से गिर रहा होता है तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने बेड पे होता है। वो अपने घर के विंडो से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर हवा में होता है और वो नीचे गिर रहा होता है। और तभी फ्रेडी वहां पे आता है जो उसे डराने की कोशिश करता है। उसका घर एल्म स्ट्रीट में आके गिरता है और वो उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर फ्रेडी बस को ड्राइव करते हुए आता है और उसे ठोक देता है। वो बस को ड्राइव करते हुए उसे रियल वर्ल्ड में फेंक देता है। इसके बाद फ्रेडी उस बस से बाहर निकलता है और उस पोर्टल को भी बंद कर देता है। सीन चेंज होता है और हमें एक शेल्टर दिखाया जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे बच्चों को रखा जाता है। इस शेल्टर की मेन डॉक्टर होती है मैगी बोरोज। मैगी के तीन पेशेंट्स होते हैं जिनके नाम है स्पेंसर, जो कि एक वीडियो गेम एडिक्ट होता है। दूसरी है ट्रेसी, जिसे किकबॉक्सिंग पसंद होती है, और आखिरी है कार्लोस, जिसे हियरिंग प्रॉब्लम होती है। ये तीनों इस जगह पे नहीं रहना चाहते थे और इसीलिए ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। कुछ पुलिस वाले जॉन को सड़क पे घूमता हुआ पाते हैं और वो उसे इसी शेल्टर में लेके आते हैं। मैगी जॉन से उसकी जगह के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जॉन को कुछ भी याद नहीं होता है उस एक्सीडेंट के बाद से। जॉन को कुछ याद तो नहीं होता है, लेकिन उसे सोने से डर लग रहा होता है। मैगी को जॉन के पैंट में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला होता है जिसमें किसी लॉरेटा क्रूगर नाम की औरत के बारे में लिखा होता है। मैगी गलती से सो जाती है और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ खेल रही होती है और तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और मैगी यहीं पे जाग जाती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो फिर उस छोटी लड़की की मॉम की शक्ल उस न्यूज़पेपर वाली लेडी से काफी मिल रही थी। जॉन भी सो गया होता है और उसे भी सपने में वही लड़की दिखती है। जॉन की आंख खुलती है और वो मैगी को बताता है कि उसने भी सेम लड़की को अपने सपने में देखा। मैगी का एक बॉस भी होता है और वो उससे कहता है कि उसे जॉन की हेल्प करनी चाहिए। जॉन की याददाश्त वापस लाने के लिए मैगी जॉन को स्प्रिंगवुड की रोड ट्रिप पे ले जाती है, पर रास्ते में जॉन को हेलुसिनेशन होता है और वो उसी छोटी लड़की को देखता है वैन के सामने। वो वैन के स्टीयरिंग व्हील को एकदम से घुमा देता है और इस झटके की वजह से हम स्पेंसर, कार्लोस और ट्रेसी को भी उनके सामने आते हुए देखते हैं, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे इस वैन में छुप के। वो सभी लोग साथ में स्प्रिंगवुड टाउन फेयर में पहुंचते हैं। मैगी और जॉन वहीं पे रुक जाते हैं और वो इन तीनों को वापस से शेल्टर में जाने के लिए कहते हैं। वो तीनों उसी वैन में शेल्टर के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों रास्ता भूल चुके होते हैं और एक ही लूप में फंस के इधर उधर घूम रहे होते हैं। उनके साथ काफी अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी और इसलिए वो लोग काफी डर चुके थे। जॉन और मैगी साथ में स्प्रिंगवुड हाई स्कूल में जाते हैं जहाँ पे एक टीचर खाली क्लास को कुछ पढ़ा रहा होता है। वो उसकी बात सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी का एक बच्चा भी था, लेकिन 1966 में उसके बच्चे को छीन लिया गया था। मीनवाइल ट्रेसी, स्पेंसर और कार्लोस एक ही लूप में घूम घूम के थक चुके थे और इसलिए वो लोग कहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं। ट्रेसी एक खाली घर ढूंढती है और वो तीनों उसके अंदर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। उसके घर के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि दरवाजे पर से ढेर सारा खून बाहर निकलता है और धीरे धीरे वो घर फ्रेडी के घर में बदल जाता है। कार्लोस उस घर में एक रूम फाइंड करता है और उसके अंदर सोने के लिए जाता है। उसकी आंख खुलती है तब वो सपने में होता है। तभी फ्रेडी वहां पे आता है और वो उसके कान में एक स्टिक घुसा देता है। कान में स्टिक जाने की वजह से कार्लोस को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और फ्रेडी उसे बॉयलर रूम में फेंक देता है। कार्लोस जब बॉयलर रूम में घूम रहा होता है तभी हम फ्रेडी को उसके पीछे अजीब अजीब से एक्शन करते हुए देखते हैं, लेकिन कार्लोस को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो थोड़ा आगे जाता है और तब फ्रेडी उसे उसका हियरिंग डिवाइस लौटा देता है। वो जैसे उस डिवाइस को अपने कान पे लगाता है
वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पूरे कान को कवर कर लेता है, और इस हियरिंग डिवाइस की वजह से उसे हर चीज काफी तेज तेज सुनाई दे रही होती है। फ्रेडी एक पिन गिराता है लेकिन कार्लोस किसी तरह उसे गिरने से रोक लेता है, और इसके बाद फ्रेडी ढेर सारे पिन्स फ्लोर पे गिरा देता है। आगे वो एक बोर्ड लेता है और उस पर अपनी फिंगर नाइफ से स्क्रैच करने लगता है। इन सभी आवाजों की वजह से कार्लोस का दिमाग फट जाता है और वो मारा चाहता है। रियल लाइफ में ट्रेसी कार्लोस के कमरे में जाती है और देखती है कि वहां से कार्लोस की डेड बॉडी गायब होती है। मीनवाइल स्पेंसर सोफा पे लेटा होता है और वो टीवी देखते देखते सो जाता है। मैगी और जॉन स्प्रिंगवुड के ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ पे वो एक और औरत को खुद से ही बात करते हुए देखते हैं। वहाँ पे उन्हें एक ड्राइंग मिलती है जिसपे के क्रूगर लिखा हुआ होता है। जॉन को लगता है कि वही फ्रेडी का खोया हुआ बच्चा है क्योंकि फ्रेडी ने उसे पहली बार में नहीं मारा था। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी ट्रेसी वहाँ पे आती है। स्पेंसर भी अपने ड्रीम में जागता है और फ्रेडी उसे टीवी में खींच के ले जाता है। वो तीनों जब घर वापस आते हैं तब स्पेंसर सोफा पर से गायब हो चुका होता है। स्पेंसर खुद को एक वीडियो गेम में फंसा हुआ पाता है और फ्रेडी उसे कंट्रोल कर रहा होता है। ये सीन इतना फालतू था कि मेरा इसे एक्सप्लेन करने का भी मन नहीं कर रहा। एक तो यहाँ पे काफी अजीब अजीब से साउंड इफेक्ट्स भी डाले हैं, आप खुद देखिए आपको समझ आएगा। स्पेंसर की बॉडी वीडियो गेम से रियल वर्ल्ड में आती है और फ्रेडी उसे कंट्रोल कर रहा होता है, और यहाँ पे भी आपको काफी अजीब अजीब से सीन्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ अजीब अजीब से साउंड इफेक्ट। जॉन को एक आइडिया आता है कि स्पेंसर को बचाने के लिए उन्हें उसके ड्रीम में जाना पड़ेगा, और इसलिए ट्रेसी जॉन को मार के अनकॉन्शियस कर देती है जिससे वो ड्रीम में पहुंच जाता है, और बाद में पीछे से वो भी ड्रीम में आ जाती है। वो दोनों फ्रेडी को देखते हैं जो कि स्पेंसर को कंट्रोल कर रहा होता है, पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते फ्रेडी अपने पावर ग्लव्स का यूज करता है और स्पेंसर को मार डालता है, और इसके बाद वो उसकी सोल को भी अपने अंदर ले लेता है। स्पेंसर को मारने के बाद फ्रेडी ट्रेसी की ओर बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता मैगी ट्रेसी को जगा देती है, लेकिन जॉन अभी भी नींद में होता है और इसलिए वो लोग उसे उठा के ले जाते हैं। मैगी जब ड्राइव कर रही होती है तब भी जॉन सो ही रहा होता है। जॉन अपने ड्रीम में जागता है और देखता है कि उसके बेडरूम में आग लगी होती है। वो विंडो से बाहर कूद जाता है लेकिन क्योंकि उसका घर हवा में उड़ रहा था इसलिए वो काफी हाइट से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते वक्त उसे एक टैग दिखता है जिस पे लिखा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी पुल द स्ट्रिंग। वो उसे खींच लेता है और तभी उसका शर्ट पैराशूट में बदल जाता है। उस पैराशूट के ऊपर फ्रेडी लटका होता है जो कि धीरे से नीचे आता है। फ्रेडी कहता है कि जॉन उसका बेटा नहीं है और उसने उसे सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा ताकि वो उसकी बेटी को उसके पास तक ला सके, और इतना बोलने के बाद वो उसकी रस्सियों को काट देता है। नीचे फ्रेडी स्पाइक्स लगा देता है और जॉन सीधा उसी पे गिर जाता है। रियल लाइफ में जॉन की बॉडी में ढेर सारे छेद हो गए थे और वो मारा जाता है, और फ्रेडी उसकी भी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ट्रेसी और मैगी शेल्टर पे वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ के लोगों को जॉन स्पेंसर और कार्लोस के बारे में कुछ याद ही नहीं है, लेकिन मैगी की बॉस को उन तीनों के बारे में सब कुछ याद होता है। वो कहता है कि वो अपने ड्रीम को कंट्रोल कर सकता था इसलिए उसे सब कुछ याद है। मैगी को कुछ पेपर्स मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड थी। रात को सोते वक्त मैगी को फिर से फ्लैशबैक आता है जिसके अंदर वो उसी छोटी बच्ची को अपने डैड के साथ खेलते हुए देखती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि मैगी ही है, और मैगी ही फ्रेडी क्रूगर की बेटी है। और तभी मैगी की मॉम आती है जो कि काफ़ी सरप्राइज्ड होती है क्योंकि उसने बेसमेंट में कुछ ऐसा देखा था जो कि काफ़ी अनयूजुअल था। वो फ्रेडी से कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि उसने नीचे क्या देखा है, पर तभी मैगी वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि पूरा रूम फिंगर नाइफ ग्लव से भरा हुआ होता है, और साथ ही साथ वहाँ पे मारे गए बच्चों की न्यूज़ क्लिपिंग्स भी होती हैं। एकदम से छोटी वाली मैगी बाहर जाती है और बड़ी होके वापस आती है। आगे फ्रेडी वहाँ पे आता है और वो उसे उसके बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि उसका बचपन में नाम कैथरीन रखा गया था, और जब लोगों ने फ्रेडी को मैगी से दूर कर दिया था तब फ्रेडी ने उनके बच्चों को मार के बदला लिया था। सीन चेंज होता है और फ्रेडी ट्रेसी के पास पहुंचता है। वो उसके डैड में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ट्रेसी उससे फाइट करने की कोशिश करती है। आगे वो अपने हाथ को स्टोव पे जलाती है और ड्रीम से बाहर निकलती है। इसके बाद फ्रेडी बॉस के ड्रीम में जाता है। अभी हम इस बंदे को डॉक नाम से ही बुलाएंगे क्योंकि बॉस बोलना काफी अजीब लग रहा है, और विकिपीडिया पे भी इसका नाम डॉक ही बताया गया है। फ्रेडी डॉक को बताता है कि अभी तक वो लोग उसे इसीलिए नहीं मार पाए क्योंकि डीमंस उसे जिंदा रखे हुए हैं। डॉग फ्रेडी के स्वेटर का एक टुकड़ा फाड़ लेता है और तभी एक अलार्म सिस्टम उसे जगा देता है। डॉग कहता है कि अगर ये स्वेटर वहाँ से बाहर आ सकता है तो फिर वो फ्रेडी को भी ड्रीम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट में नैन्सी ने भी यही करने की कोशिश की थी।
मैगी डिसाइड करती कि वो फ्रेडी के माइंड में जाएगी और उसे रियल वर्ल्ड में लाएगी। इसके बाद वो सो जाती है और ड्रीम में जागती है। वो अपने आंखों पे 3D ग्लासेस लगाती है और फ्रेडी के माइंड में जाने के लिए रेडी हो जाती है। मैगी फ्रेडी के ब्रेन में भी पहुंचती है जहाँ पे उसे वही डीमंस दिखते हैं। फ्रेडी के ब्रेन में जाने के बाद वो उसकी मेमोरीज को देखती है। सबसे पहली थी फ्रेडी की क्लासरूम की, जहाँ पे वो एक हैमर से एक हैमस्टर को मार डालता है। दूसरी मेमोरी में वो फ्रेडी को अपने डैड से मार खाते हुए देखती है, और शुरू में मार खाने के बाद वो अपने डैड को भी मार डालता है। आखिरी मेमोरी होती है वो वाली जिसके अंदर लोगों ने फ्रेडी को जिंदा चला दिया था। मरते वक्त फ्रेडी के आसपास वही डीमंस घूम रहे थे जिसने उसे कई बार रिवाइव किया था। वो सारे डीमंस फ्रेडी के बॉडी में चले जाते हैं। अभी एक और मेमोरी बाकी है जिसके अंदर मैगी फ्रेडी को अपने मॉम को मारते हुए देखती है। मैगी फ्रेडी को मारती है और उसे पकड़ लेती है। रियल लाइफ में डॉग और ट्रेसी मैगी को देख लेते हैं कि उसने फ्रेडी को पकड़ लिया है, और इसलिए वो लोग उसे जगा देते हैं। उसे फ्रेडी मिलता है और मैगी उसे मारने की कोशिश करती है। वो उसके ग्लव्स से उसे मारती है, बाद में उसकी उंगलियां तोड़ती है और निंजा बन के उसके ऊपर शुरिकन्स भी मारती है, और इसके बाद वो क्रॉसबो भी मारती है, और लास्ट में उसी की फिंगर नाइफ्स ग्लव्स पहन के उसी को स्टैप कर देती है। इसके बाद वो एक डायनामाइट लेती है और उसके पेट में घुसा देती है, और हैप्पी फादर्स डे बोल के वहाँ से चली जाती है। फ्रेडी इस मूवी के हिसाब से फाइनली मारा जाता है और मैगी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज की सबसे बुरी मूवी थी ये। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा था, लेकिन इसके आगे के पार्ट्स इनसे थोड़े अच्छे हैं, तो फिर उनका वेट कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।